सर, मी बैंड 5 जब से चाइना के अंदर लॉन्च हुआ, बंदों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन सा आ गया कि यार मी बैंड 4 ले लें या फिर मी बैंड 5 का वेट करें, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फटाफट से दोस्तों इस वीडियो के अंदर जानते हैं, डिटेल कंपेरिजन करते हैं उन दोनों बैंड्स का, प्राइस का, और लास्ट में सारा माई ब्लंट एडवाइस दूंगा मैं आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो मी बैंड 5 का एक थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले मी बैंड 4 के अंदर आपको 0.95 इंचेस का कलर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती थी, यहाँ पे आपको 1.1 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे यार 20% ज़्यादा ही तो है स्क्रीन, लेकिन दोस्तों जो छोटे आपके डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर फॉर्म फैक्टर के अंदर अगर थोड़ा इंक्रीज होता है, आई मीन उसकी साइज बड़ी होती है, तो वहाँ पर आपको उसकी यूज़ करने का तरीका और आपका सारा अंदाज बदल जाता है। बाकी आपको मी बैंड 4 के अंदर आपको 77 वॉच फेसेस इनबिल्ट देखने को मिलते थे, और बाकी आप अनलिमिटेड जितने मर्जी डाउनलोड करके आप उसके अंदर यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको 100 अलग अलग तरह के एनिमेटेड वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा एक वॉच को एक डिफरेंट लेवल तक ले जाता है। साथ ही अगर बाकी फीचर्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के 11 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे, पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स देखने को मिलेगा, और साथ में वुमन हेल्थ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर एड ऑन हो जाती हैं। दोस्तों डिस्प्ले के बाद हम बात करते हैं फीचर्स की, जहां आपको एक्चुअल में मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, या फिर आपका ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पे आपको 2.5D का जो सपोर्ट है ग्लास का प्रोटेक्शन का, ये दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको वाटर प्रोटेक्शन जो है, वाटर प्रूफ जो है, दोनों ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो आपको 5 के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे 5 के अंदर वुमन हेल्थ का एक ऑप्शन वाला अलग से मोड आता है, वो आपको एडिशनल देखने को मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको PAI पर्सनल एक्टिविटी इंडेक्स का एक स्कोर होता है, कि मतलब आप कितने फिट हैं, आपने कितनी एक्टिविटी करी है, तो आपको पता चलेगा कि कल आपने कम एक्टिविटी करी है, आज आपने ज़्यादा करी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये मी बैंड 4 के अंदर मिसिंग था। साथ ही मी बैंड 5 के अंदर आपको 11 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं, वहाँ पर सिर्फ 7 थे। और साथ में जो स्लीप ट्रैकिंग है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इन्होंने, मतलब थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। काफ़ी हद तक एक्यूरेट स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। आपको REM भी देखने को मिलेगा, यानी रैपिड आई मूवमेंट, मतलब आप अगर सो रहे हैं, अगर मैं ढंग से समझाऊं, तो आपकी आई बॉल्स की जो मूवमेंट है उसको भी ये ट्रैक करके आपको बताएगा कि भाई आप कितने नशे में हो। जस्ट किडिंग, मतलब कितना आप की जो नींद है वो कितनी साउंड है, एक्चुअली डीप स्लीप, लाइट स्लीप, और REM के मदद से आपको मतलब कितने आप एक्चुअल में नींद ले रहे हो, या फिर ऐसे ही लेटे हुए हो, कुछ सोच रहे हो, स्ट्रेस में हो, वो सारी चीज़ें आपको ये बताएगा। और बाकी दोस्तों, अगर आपको यार वीडियो पसंद आ रही है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, पास में जो घंटा है वो भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद नहीं आया कोई बात नहीं, आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन प्यारा सा कमेंट कर देना आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। बाकी अगर मैं बैटरी बैकअप को कंपेयर करूं, तो यहां पे काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल में आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर मी बैंड 4 की बात करता हूं, तो आपको 14 डेज का बैकअप देखने को मिलता था, नहीं 20 डेज का बाद मिलता था सॉरी, और मी बैंड 5 के अंदर आपको 14 डेज का देखने को मिलेगा, मतलब 7 दिन या 6 दिन आपके कम हो गए। ये कुछ ऐसे जो फीचर्स हैं वो ऐड किए हैं, हो सकता है उसकी वजह से हो। दोस्तों एक सबसे मस्त अपग्रेड यहाँ पे मुझे ये लगा कि जो चार्जिंग का सीन है, यहाँ पे मी बैंड 5 के अंदर आपको मैग्नेटिक स्ट्रैप देखने को मिलेगा जो चिपक जाएगा आपके बैंड से, आप आराम से उसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मी बैंड 4 के अंदर तो मतलब एक पूरी सी लड़ाई सी लड़नी पड़ती थी उस स्ट्रैप के अंदर से, उस कैप्सूल को निकालो, फिर उस चार्जर के अंदर फिट करो, और फिर चार्जर को प्लग लगाओ, और फिर उसके बाद चार्ज हो जाता था, फिर वापस वही लड़ाई वापस लड़ो, कई बार उल्टा लग जाता था, कई बार टेढ़ा, मतलब बहुत सीन ताड़ा वाला सीन होता था, मतलब बंदा सोचता था मैं चार्ज ही नहीं करूं, लेकिन यहाँ पे इससे आपको राहत मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों इसके अलावा ये आपको ये भी बताएगा कि आपको कब सांस लेनी है, कब सांस नहीं लेनी है, मतलब प्रेशर एंड ब्रीदिंग असेसमेंट भी आपको ये करके देगा। और एक बहुत अच्छी बात, रिमोट शटर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आप बहुत दूर खड़े हैं और आप आराम से अपने फ़ोन से, आई मीन जो बैंड है वहाँ से आप शटर पे क्लिक करेंगे, आपकी फ़ोटो आ जाएगी। बाकी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कलर्स की, तो मी बैंड 4 के अंदर थोड़े आपका कलर्स लिमिटेड थे, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो, और भी इसकी जो कस्टम जो एक्सेसरीज़ हैं वो तो बहुत सारी, हालांकि मी बैंड 4 के अंदर भी थी, तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड है नहीं। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ प्राइस की, इसके बाद लास्ट में बात माय ब्लंट एडवाइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करता हूं, तो मी बैंड आज भी आपको 2299 रुपीज, मतलब 2300 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। कभी कभार कोई ऑफर आ जाता है तो 50-60 रुपए कम मिल जाते हैं, अदरवाइज वो इतने का ही आता है। बाकी अगर मी बैंड 5 की बात करता हूँ, तो चाइना के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ में ये लॉन्च हुआ है, नॉन AFC वेरिएंट, जिसको हम स्टैंडर्ड वेरिएंट भी बोलते हैं,
और जो NFC वाला वेरिएंट है वो आपको वहाँ पे 2500 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। तो यार मतलब इस हिसाब से तो अगर इंडिया के अंदर ये आएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 2100-2200 या 2300 रुपये मैक्सिमम आएगा, और जब 2300 पे ये आएगा तो मी बैंड 4 की प्राइस डेफिनेटली बात है कम हो जाएगी, 2000 या 1700-1800 तक डाल देंगे। तो इससे यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मतलब जैसा मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि यार ऑन पेपर काफ़ी हद तक सिमिलर लगते हैं, तो क्या मी बैंड 4 ही कम्पीट करेगा मी बैंड 5 के साथ? तो दोस्तों मैं फ्रेंकली बताऊं तो यार अगर आप पहली बार कोई बैंड ले रहे हैं तो आप डेफिनेटली मी बैंड 5 ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मी बैंड 4 है तो इतना वर्थ नहीं, मतलब एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स आपको एडिशनल देखने को नहीं मिलते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि मी बैंड 5 अगर इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पर तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और सीधी सी बात है कि मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा अपग्रेड यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो, पास में जो घंटा है उसको भी दबा दो, और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।